अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं firstbite.tv। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। 3 साल पहले शुरू किए गए जन औषधि केंद्र की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि औषधि केंद्रों की मांग बढ़ रही है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए आज देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औषधि केंद्र के लाभार्थियों से सीधे जुड़े। इस कड़ी में आज मेरठ गढ़ रोड पर स्थापित जन औषधि केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शुक्ला द्वारा किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप शुक्ला ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि औषधि केंद्रों में मानक के अनुरूप गुणवत्ता पर आधारित दवाएं मार्केट में उपलब्ध दवाओं से खासी सस्ती व अच्छी है, इसी कारण लोगों का रुझान इस ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल। देखिए, आज से 3 वर्ष पूर्व इस योजना का शुभारंभ हुआ था, जन औषधि केंद्र परियोजना, जिसके माध्यम से शुद्ध जो क्वालिटी दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं हैं, वो बहुत ही सस्ती दरों पर सामान्य जन को उपलब्ध कराई जा रही है। यानी लगभग इसमें कुछ दवाओं का तो जो दर है वो 10% है, बाजार में 100 रुपये की है तो यहाँ पर 10 रुपये की है। गुणवत्ता वैसी ही है या उससे कम किसी भी प्रकार से नहीं है। और इसके माध्यम से जो गरीब वर्ग है विशेष रूप से, और या मध्यम वर्ग, उसकी सहायता हो रही है। उसका जैसा हमारे सबके अनुभव में आता है, जिनका दवाई का बिल मान लीजिए 1000 रुपये था तो 100 रुपये रह गया, 2000 था तो 200-150 रुपये रह गया, तो बड़ी भारी सेवा सामान्य जन के स्वास्थ्य की दृष्टि से हो रही है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य को लेकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उन्होंने काम किया है। स्वच्छता है, वो भी स्वास्थ्य का ही विषय है। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंगल ने यह कहा। आज प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे जन औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जन औषधि केंद्र नहीं, जन उपयोगी केंद्र है होना चाहिए। ऐसी बात तो यह है, जनता के लिए लगातार स्वास्थ्य में, शिक्षा में लगातार विभिन्न कार्य करे जा रहे हैं। उसी कड़ी में जन औषधि आज के दिन में जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, जहाँ क्षेत्रों में आम आदमी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। आम जनता को जो दवाई 100 रुपये की थी 10 रुपये मिल रही है, वास्तव में जनता के हित में बहुत बड़ी योजना है। और हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में ऐसे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस आने जा रहा है, तो मैं कहता हूँ प्रत्येक जिले में 75 केंद्र ऐसा हो, विभाग और क्षेत्र की जनता मिलकर इस काम को, उनका जो आह्वान है उसको पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।